दोस्तों जेवर एयरपोर्ट के पास एक सौ इकहत्तर गाँवों में बनेंगे आठ लाख ,00 मकान जल्द ही यमुना अथॉरिटी दस नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने जा रही है जानकारी जानकारों की माने तो नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी नई ग्रीनफील्ड सिटी में ही बसाए जाएंगे। नए शहर में कहीं भी झुग्गी झोपड़ियों की इजाज़त नहीं होगी और नई सिटी का पहला फेस पाँच हज़ार हेक्टेयर जमीन का होगा इसमें बत्तीस हेक्टेयर ज़मीन पर ग्रीनफील्ड सिटी बनाई जाएगी नया शहर इस महीने में भी ख़ास होगा कि पास में ही जेवर एयरपोर्ट होगा और थोड़ी ही दूरी पर न्यू नोएडा बसाने का काम चल रहा है मास्टर प्लान 2041 में इस नए शहर का प्लान शामिल किया गया है नोएडा एम नोए थर्टी ने जेवर एयरपोर्ट के पास आठ लाख मकान बनाने की योजना पर मोहर लगा दी है जल्दी एक सौ इकहत्तर गाँव की ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा एक सौ इकहत्तर गाँव बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर के होंगे ग्रीनफील्ड सिटी के नाम से यह शहर बसाया जाएगा अथॉरिटी का अनुमान है कि साल 2041 तक नई सिटी की आबादी तकरीबन 35 लाख हो जाएगी नए शहर में रहने के लिए घर मकान तो होंगे और नौकरियां भी होंगी कारोबार भी होगा जैसे मेडिकल मेडिकल डिवाइस पार्क लॉजिस्टिक हब मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब सिविल एविएशन हब और फिल्म सिटी की जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी होंगे यमुना अथॉरिटी के अफसरों की माने तो सभी पांच नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर 2000 एकड़ ज़मीन पर बसा बसाए जाएंगे इंडस्ट्रियल क्लस्टर में लेदर पार्क प्लास्टिक पार्क हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट पार्क इलेक्ट्रॉनिक मोटर व्हीकल्स पार्क और ट्रांसपोर्ट पार्क शामिल होंगे जबकि इससे पहले जिन पांच इंडस्ट्रियल क्लस्टर पर काम चल रहा है उसमें एप्रियल हैंडीक्राफ्ट टॉय सिटी पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क शामिल है ग्रीनफील्ड सिटी बसाने के लिए बुद्ध नगर के एक और बुलंदशहर के चालीस गाँवों की ज़मीन अधिग्रहण की जाएगी बुलंदशहर के जो चालीस गाँव हैं उस वो मैंने सब डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं जैसे कि उस्मानपुर नोवीला जलाबाद चिगरावली मुमरेजपुर मोहम्मदपुर नार कपास, आप डिस्क्रिप्शन में जाके अपने गांव की और सभी गांवों की बुलंदशहर की जानकारी ले सकते हैं और नोएडा के कुछ गांवों में बताना चाहूँगा अलापुत मेवला गोपालगढ़ जेवर जेवर बांगर, सकोला मुस्तफ़ाबाद नीमान माचीपुर बांगर, अलाउद्दीन नगर माकििमपुर सिवाल और बहुत सारे गांव हैं वो सारे गाँवों की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है आप वहाँ से जाके सभी गाँवों की लिस्ट देख सकते हैं दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें